हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 6 बड़ी खबरें, 6 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। तो दोस्तों, यहां पर ये जो आज की अपडेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आज है 19 अगस्त, तो 19 अगस्त की अपडेट्स रहने वाली हैं। तो हाईकोर्ट की हरी झंडी, आज से 23 शेड्यूल से होंगी यूजी की परीक्षाएं, तो ये अपडेट भी हम देखेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा HPTU है, यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर दोस्तों जारी की गई है, ठीक है। इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो CM स्टाफ के 14 कर्मी दून के विधायक संक्रमित, CM उनकी पत्नी के वाहन चालक, PSO और स्टाफ का रसोईया भी पॉजिटिव। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर के स्टाफ और सुरक्षा में तैनात 14 कर्मचारियों के अलावा दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। विधायक को IGMC में भर्ती कर दिया है, जबकि उनका परिवार क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर CM के स्टाफ और सुरक्षा में तैनात एक कर्मी की सोमवार रात और 13 की मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमितों में CM, उनकी पत्नी और स्टाफ के 3 चालक, 1 PSO और 1 CM के निजी आवास ओक ओवर का रसोईया शामिल है। उधर कुल्लू में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस की परेड की रिहर्सल करवाने वाले ट्रेनर ASI के पॉजिटिव आने के बाद परेड में शामिल 150 पुलिस, SSB, होमगार्ड, पुलिस बैंड और ITBP जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा कुल्लू थाना सील कर दिया गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इनमें जो है शिमला के, हाँ, प्रदेश में मंगलवार को कुल 29 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें शिमला के 15, ऊना में 6, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा में 2-2, सोलन में 1 मरीज जो है शामिल आया है। तो यहाँ पर CM की सुरक्षा में तैनात संक्रमित एक कर्मी को DDU शिमला और बाकी मशोबरा स्थित कोविड केयर शिफ्ट किए जाएंगे। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और अभी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं हम यहाँ पे। तो सूबे के स्कूलों के लिए 40 करोड़ से होगी सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की खरीद। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रारंभिक शिक्षा और SSA के कामकाज की समीक्षा की। सूबे में स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन करवाने, थर्मल स्कैनर, मास्क, हैंड वॉश और साबुन खरीदने के लिए 40 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। मंगलवार को सचिवालय में प्रारंभिक शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने का फैसला लेगी, आवश्यक सामान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय के माध्यम से स्कूलों में 40 करोड़ की राशि को बांट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो जियो कंपनी के साथ TV चैनल शुरू करने की योजना। जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखने के लिए जियो कंपनी के साथ TV चैनल शुरू करने की योजना बनाई गई है। जल्द ही इसको लेकर घोषणा की जाएगी। इस योजना में स्कूली बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए अलग से एक TV चैनल मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये रही, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने संजोली कॉलेज परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। परीक्षा केंद्र में तैयारियों का लिया जायजा। तो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंगलवार को संजोली कॉलेज का दौरा किया। मंत्री के कैंपस में निदेशक के साथ पहुंचते ही हड़कंप मच गया। उन्होंने कॉलेज में एक दिन की रोक के बाद बुधवार को होने वाली परीक्षा की तैयारी को लेकर परीक्षा हॉल में व्यवस्थाएं देखी। इसके साथ ही टॉयलेट तक की सफाई का जायजा भी लिया। उन्होंने कॉलेज प्राचार्य से संक्रमण से बचाव बारे किए गए इंतजामों की जानकारी भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि हर परीक्षा केंद्र में इसी तरह के इंतजाम करें। शिक्षा मंत्री ने कॉलेज प्रशासन को प्रदेश के इस एकमात्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज को हर तरह से एक्सीलेंट बनाने को एक मास्टर प्लान बनाने को भी कहा। शिक्षा मंत्री करीब 1 घंटे तक पूरे परिसर में घूमे और कॉलेज में संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। तो आज होगी परीक्षा, कॉलेज में
आज की परीक्षा के भेजे मैसेज। तो संजोली कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा केंद्र में बुधवार सुबह 1200 और शाम को 95 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए क्या है कि सुबह के सत्र में करीब 300 और शाम के सत्र में कम संख्या में छात्र होंगे। तो बताया है कि बुधवार को परीक्षा देने वालों की संख्या कम रहेगी। परीक्षा की सूचना व्हाट्सएप और वेबसाइट के माध्यम से दे दी गई है। तो अभी तो पता चल गया होगा सभी को, मैंने भी कल बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की थी, तो आज उनका एग्ज़ाम होगा। चलिए, हाई कोर्ट की हरी झंडी, आज से तय शेड्यूल से होंगी यूजी की परीक्षाएं। हिमाचल के कॉलेजों में एक दिन के लिए स्थगित छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं बुधवार से जो है तय शेड्यूल से होंगी। प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालय प्रबंधन की याचिका पर हाईकोर्ट ने परीक्षाओं को करवाने को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को कोर्ट ने परीक्षाएं कुछ समय टालने संबंधी दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को स्वास्थ्य विभाग के कोरोना महामारी संबंधी SOP का पालन करने को कहा है। पुलिस को भी निगरानी का जिम्मा सौंपा है। हाईकोर्ट से परीक्षाएं करवाने की मंजूरी मिलते ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने कॉलेज को पत्र जारी कर बुधवार से तय शेड्यूल के तहत परीक्षा करवाने को कह दिया है। मंगलवार को स्थगित परीक्षाएं विश्वविद्यालय अंत में लेगा, इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। मंगलवार को प्रदेश सरकार की ओर से विश्वविद्यालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट व JEE की परीक्षा टालने से जुड़े मामले में आए फैसले के दृष्टिगत प्रदेश में भी स्नातक स्तर की परीक्षाएं टालना उचित नहीं होगा। UGC के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं निर्धारित समय में करवाई जानी हैं। दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आज से जो है, कल का एग्ज़ाम तो जिनका नहीं होगा हुआ होगा वो भी बाद में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, उसके बारे में आपको अलग से बता दिया जाएगा कि वो कल वाला एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। और अभी जैसे कि डेट शीट में है उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आज भी कईयों का एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जिनका आज एग्ज़ाम है। तो अभी एक और अपडेट यहाँ पर रहती है HPTU की, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ HPTU की अपडेट, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर ये होगा, चलिए थोड़ा ओपन होने देते हैं इसको जी। तो दोस्तों, ये कल की डेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट द टेंटेटिव डेट शीट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्मिनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन इज हेयर बाय विथड्रॉन, वापस ले ली गई है। कीपिंग इन व्यू ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम HPTU के स्टूडेंट्स की तरफ से, तो अदर स्टेट्स जो कि अदर स्टेट से हैं, रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट शीट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। तो डेट शीट के एक्सटेंशन से रिलेटेड यहाँ पर HPTU स्टूडेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड की गई थी COVID-19 पेंडेमिक को देखते हुए। तो फाइनल डेट शीट विद न्यू डेट शैल बी इशूड अपलोडेड शॉर्टली। तो अभी फाइनल डेट शीट बाद में आपको बता दी जाएगी जल्दी ही, ठीक है। और जो पहले वाली डेट शीट है उस हिसाब से नहीं होंगे, ठीक है। अभी द फाइनल डेट शीट विद न्यू डेट शैल बी इशूड अपलोड शॉर्टली, मतलब बाद में कर दी जाएगी। ऑल द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट HPTU रेगुलरली। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते रहना है, जो कि HPTU की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है HPTU की तरफ से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।